वसंत। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, दिस इज ऋषभ, आर फैक्ट्री पियॉन सन। आज से इसकी ट्रेनिंग इसी जिम में होगी। पर मैं कैसे कर पाऊंगा मैम? क्यों मैम, आपको पता है ना कि हमारे जिम में कितने बड़े बड़े सोसाइटीज के लोग आते हैं, और ये यहाँ कर पाएगा ट्रेनिंग? सर, मेरा सपना है मिस्टर दिल्ली बनने का, और अगर आप मेरी ट्रेनिंग करवाओगे तो मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। पर मैम, देखो वसंत, ये मेरा जिम है, मैं जिसको ट्रेन करने को कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है मैम, अगर आप कहती हो तो मैं कराता इसको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट ऋषभ। तो बताइए सर, कहाँ से शुरू करूँ? अबे, पहले अपने कपड़े देख। क्यों सर, क्या हुआ? ये जूते देख अपने, कितने घटिया और कितने पुराने हैं। मगर सर, मेरे पास तो यही जूते हैं। देख सुन, अगर तुझे यहाँ आना है जी तो प्रॉपर ड्रेस में आएगा और नए जूते पहन के आएगा। चल जा। अबे ओए, क्या कर रहे है? क्या हुआ सर? किसने बोला तुझे साइकिलिंग करने के लिए? सर, मैंने सोचा आपके आने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लूं। कान खोल कर बात सुन ले, जब तक मैं ना कहूं ना, किसी भी इक्विपमेंट को हाथ मत लगा देना, समझ गया? सर, पर बिना मशीन्स को यूज करे मैं अपनी ट्रेनिंग कैसे पूरी करूंगा? तो एक काम कर, रात को ट्रेनिंग कर लिया कर। ठीक है सर, मैं ट्रेनिंग तो रात को कर लूंगा, पर मैं अभी क्या करूं? अभी क्या करूं? एक काम कर, वो देख सामने कपड़ा पड़ा है ना, उसको लेके आ और सारे इक्विपमेंट साफ कर, चल। सर, आपने तो कहा था आप मेरी ट्रेनिंग करवाओगे, पर ये सब? अबे ओ सुन, तेरी औकात नहीं है इतने सारे महंगे इक्विपमेंट्स को हाथ लगाने की, और तू मिस्टर दिल्ली बनेगा, चल चल। साला पता नहीं कहां से आ जाता है। ये लीजिए मैम, आपका डाइट प्लान, और हाँ, पूरे 3 महीने आपको फॉलो करना होगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। ये क्या है? अबे ये डाइट प्लान है। सर, मगर मैं भी तो यहाँ 3 महीने से हूँ, आपने मुझे तो कोई डाइट प्लान नहीं दिया। अबे वो सुन, ये जो डाइट प्लान है ना, हर मेंबर के बॉडी टाइप के हिसाब से बनता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे लिए मेहनत करूँ। सर, इस तरह तो मेरी ट्रेनिंग कभी आपके अंडर पूरी नहीं हो पाएगी, तो मेरा यहाँ आने का फायदा ही क्या हुआ? तो जाना यहाँ से और ढूंढ ले कोई दूसरा ट्रेनर जो तुझ जैसे आदमी को फ्री में सिखा सके। और सुन, जिस दिन तू मिस्टर दिल्ली बन जाए ना, तो मुझसे आके जरूर मिलना, देखता हूं तू कहां तक जाता है। चल जा। आपने बुलाया मैम मुझे? हाँ वसंत, हैव अ सीट। ओके। मुझे काफी जिम मेंबर्स से तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है। तुम्हारा बिहेवियर उनकी टुवर्ड्स अनएक्सेप्टेबल है, और इसी वजह से काफी लोग ऑलरेडी जिम छोड़कर जा भी चुके हैं। पर मैम, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं तो सबसे अच्छे से बात करता हूँ। देखो वसंत, मुझे ये बात किसी एक इंसान ने कही होती तो मैं फिर भी मान लेती, बट यही सेम बात मुझसे हर एक इंसान ने कही है। दिस इज योर लास्ट चांस। इसके बाद एक भी कंप्लेंट आई तो तुम्हारे अगेंस्ट मुझे अनफॉर्चुनेटली एक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है मैम। ऑलराइट, यू कैन लीव नाउ।
कम, लेट्स मीट वसंत. वसंत, ये ऋषभ है. 2 साल पहले इस जिम में आए थे. आज मिस्टर दिल्ली हो गए हैं. आपसे मिलना चाहते थे. हाँ, याद है मुझे मैम. वसंत सर तो मेरे पहले ट्रेनर थे. इनसे तो मिलना ही था. चलिए, आप लोग बातें करिए. आई टेक योर लीव. सर, आपने मुझसे 2 साल पहले जाते जाते एक बात कही थी कि जब मिस्टर दिल्ली बन जाओ तब मेरे से मिलने आना. तो आज मैं आपसे मिलने आया हूँ. देखो ऋषभ, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मिस्टर दिल्ली का खिताब अपने नाम किया. पर तुमने किया कैसे ये सर? सर, आपने तो मेरे को ट्रेनिंग देने से मना कर दिया था. मगर मैं एक दूसरे जिम गया. वहाँ के ट्रेनर ने मुझे हर चीज़ सिखाई. सर, अगर मैं चाहूँ तो बाहर खड़े हर एक जिम मेंबर को आपकी सच्चाई बता सकता हूँ. मगर मैं ऐसा नहीं करूँ. मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ जैसा भी किया बहुत गलत किया. और इस गलती का एहसास है मुझे. कोई नहीं सर, जो हो गया उसको बदला तो नहीं जा सकता. मगर हाँ, मैं आपसे ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप आइंदा से किसी और के साथ ऐसा नहीं करेंगे. तुम ठीक कह रहे हो ऋषभ. ठीक है सर, मैं चलता हूँ. आप अपना काम कीजिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. जोर से बोलो हैप्पी डी.